दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत आज के मॉडर्न और बिजी एरा में सबसे इम्पोर्टेंट जरूरतों में से एक है। वैसे इस पहलू में हवाई यात्रा ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जितनी जल्दी हो सके पहुंचाने में मदद करता है, जबकि जमीनी स्तर से या फिर समुद्र से यात्रा करने के लिए बैरियर्स को हटाने की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हवाई यात्रा में ऐसी कोई सीमा नहीं होती। शायद इसीलिए तो हर गुजरते साल के साथ साथ हवाई जहाज से यात्रा करना काफी सस्ता और एक बहुत ही तेज ऑप्शन होता जा रहा है, जिससे दुनिया का हर बड़ा लीडर अपने देश में बड़े से बड़ा एयरपोर्ट बनाने के पीछे लगा हुआ है। और इन्हीं कुछ फायदों ने तो हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या को इस हद तक बढ़ा दिया है कि कुछ इंटरनेशनल हवाई अड्डों ने सबसे बड़े और सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अपनी जगह तक बना ली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं AGK टॉप 10। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 10 सबसे बड़े हवाई अड्डे के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि वो दुनिया में कितना व्यस्त है और वो कितना बड़ा हवाई अड्डा है और इस सूची में हमारा देश आता है कि नहीं है। और यकीन मानिए दोस्तों, इनके बारे में आपने आज से पहले ना तो सुना होगा और ना ही जाना होगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को लाइक करते हुए अब फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, हार्ट्सफील्ड जंक्शन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। असल में ये हवाई अड्डा साल 1998 में बनकर तैयार हुआ और तैयार होने के कुछ ही समय बाद से इस एयरपोर्ट पे बहुत अधिक मात्रा में यात्री यात्रा करने के लिए लगातार आते चले गए, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी बना हुआ है। वैसे अटलांटा हवाई अड्डा दक्षिणी पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य केंद्र है, जहां अनगिनत अंतरराष्ट्रीय यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये अब तक का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जो सालाना 100 मिलियन से भी ज्यादा यात्रियों को अपनी सेवा देता है। मतलब ये हवाई अड्डा अपने आसपास के एरिया जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में अंतरराष्ट्रीय सेवा देता है और यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जाता है। नंबर 9, बीजिंग कैपिटल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और यात्रियों से चकाचक भरा रहने वाला हवाई अड्डा है। दरअसल ये एयरपोर्ट विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मतलब पिछले कुछ वर्षों में इस हवाई अड्डे ने 3 गुना से ज्यादा यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिस वजह से इस हवाई अड्डे में यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वैसे कई एक्सपर्ट द्वारा ये कहा भी जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा लगता है कि ये एयरपोर्ट अटलांटा हवाई अड्डे की जगह आसानी से ले सकता है। वैसे आगे चलते हुए आपको एक बात बता दें कि इस एयरपोर्ट की पॉपुलैरिटी की वजह से साल 2019 में बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से एक दूसरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी खोला गया है। और आपको बता दें, अब ये हवाई अड्डा भी विश्व स्तर पर हवाई अड्डे की सभी सेवाओं की मांगों को पूरी तरीके से पूरा कर रहा है। दरअसल ये हवाई अड्डा साल 1958 में बनकर तैयार हुआ था और यहाँ हर दिन 4.5 करोड़ यात्री इस हवाई अड्डा की सुविधा उठाते हैं। वैसे बात अगर हवाई जहाज की करें तो आपको बता दें तो करीब 5 लाख फ्लाइट यहाँ से रोजाना टेक ऑफ करती है। नंबर 8, दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उन एयरपोर्ट में से जो काफी ज्यादा फेमस है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरपोर्ट पर यहाँ पर यात्रियों के हिसाब से 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। वैसे आपको बता दें, इस हवाई अड्डे की 90 एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप है, जिससे यहाँ के यात्री 6 महाद्वीपों में 240 से अधिक डेस्टिनेशन की यात्रा कर सकते हैं। दरअसल यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आने वाले कुछ सालों में इस एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या 104 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। वैसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री स्टोर को 2014 में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बिजी रिटेल आउटलेट के रूप में दर्ज किया गया है। वैसे इस एयरपोर्ट की यात्री की कुल क्षमता 8,63,96,757 यात्री रोजाना की है। और आपको बता देगी, यहाँ पर करीब 6 लाख से ज्यादा हवाई जहाज हर रोज उड़ान भरती है यानी टेक ऑफ करती है। लेकिन जाते जाते आपको बता दे, इस हवाई अड्डे को साल 2010 में खोला गया था। नंबर 7, हीथरो एयरपोर्ट। दोस्तों लंदन हीथरो हवाई अड्डा यूरोप का और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा और बिजी हवाई अड्डों में से एक है। वैसे इस हवाई अड्डे पर 81 एयरलाइंस है जो 204 डेस्टिनेशन और 85 देशों के लिए उड़ान भरती है। हालांकि इतना ही नहीं, इसके अलावा ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली एयरलाइंस में से भी एक है, जो कि ब्रिटिश एयरवेज का सेंटर भी है। और तो और, हवाई अड्डे के उत्तरी भाग के पास तीसरा रनवे बनाने की प्लानिंग भी की जा रही है, क्योंकि इससे हीथरो हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन आपको बता दे, इस हवाई अड्डे को साल 1946 में खोला गया था और आज के मौजूदा समय में इस एयरपोर्ट से रोजाना करीब 2 से 2.5 करोड़ यात्री सफर करते हैं। वैसे इस हवाई अड्डे से रोज 90,000 फ्लाइट अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाती है, जो कि आज के मौजूदा समय में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। नंबर 6, लॉस एंजलिस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस एयरपोर्ट को लेक्स हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये हवाई अड्डा USA का दूसरा सबसे बड़ा और बिजी हवाई अड्डा है, जिस वजह से आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हवाई अड्डा सबसे व्यस्त होने के साथ साथ आखिरी डेस्टिनेशन एयरपोर्ट होने का भी अपने नाम रिकॉर्ड रखता है। वैसे ये हवाई अड्डा अलास्का एयरलाइंस, वर्जिन अमेरिका
अमेरिका और एटलस एयर के हब के रूप में काम करता है। लेकिन इसके अलावा मई 2017 से इस हवाई अड्डे को यूएस के पर्सनल टर्मिनल के रूप में भी जाना जाने लगा है, क्योंकि ये आम लोगों से दूर बाहरी इलाके में स्थित है। वैसे इस एयरपोर्ट को साल 1928 में खोला गया था, और आपको बता दे ये हवाई अड्डा करीब 3,500 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, और ये एयरपोर्ट करीब 8 मिलियन यात्रियों को एक बार में संभालने की क्षमता रखता है। वैसे जाते जाते आपको बता दे कि इस हवाई अड्डे से रोजाना करीब 5 लाख से ज्यादा फ्लाइट टेक ऑफ करती है। नंबर 5, टोक्यो हनाडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, टोक्यो के हनाडा एयरपोर्ट ने इस रैंकिंग में अपना 5वां स्थान हासिल किया है। असल में ये एयरपोर्ट ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मतलब ये एयरपोर्ट ANA, जापान एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस के साथ साथ और भी एयरलाइंस के लिए एक इम्पोर्टेंट हब है। वैसे आपको बता दे, ये हवाई अड्डा अपने यात्रियों की सुविधा का काफी ज्यादा ख्याल रखता है, और यही कारण है कि इसके अनगिनत यात्रियों को संभालने के लिए इसको और बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। वैसे सबसे पहले टोक्यो हवाई अड्डे में ज्यादातर डोमेस्टिक एयरलाइन को यूज किया जाता था, लेकिन बाद में जापानी परिवहन प्राधिकरण ने यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण इस एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भी खोल दिया। हनेडा हवाई अड्डा जापान की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस जापानी एयरलाइंस और निपोन एयरवेज का सबसे मेन हब है, जिस वजह से इस हवाई अड्डे की गिनती दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में की जाती है। वैसे इस एयरपोर्ट की कुल क्षमता लगभग 8.5 करोड़ यात्री की है रोजाना, और अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बिजी एयरपोर्ट होगा। वैसे आपको बता दे, इसे साल 1931 में खोला गया था, और ये एयरपोर्ट 257.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। नंबर 4, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। दरअसल ये एयरपोर्ट 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, और आपको बता दे कि इस एयरपोर्ट का डिजाइन भी भारतीय परंपरा को दिखाएगा। वैसे असल में इस एयरपोर्ट का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया जाएगा कि जब आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट एक हवेली जैसा है। वैसे ये एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होने के बाद ये हमारे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा, और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, क्योंकि नोएडा एयरपोर्ट का पहला चरण पूरा होने के बाद इसके 8 रनवे से सालाना 1.2 करोड़ यात्री आसानी से उड़ान भर सकेंगे। और तो और, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 3,500 एकड़ में बनाया जाना है। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनने वाला नोएडा एयरपोर्ट करीब 20,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, और इतनी बड़ी अमाउंट लगने के बाद आपको बता दे, इस एयरपोर्ट पे 2 पैसेंजर टर्मिनल होंगे। वैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की कैपेसिटी 3 करोड़ यात्रियों की होगी, जबकि टर्मिनल 2 से हर साल 4 करोड़ यात्रियों की आवाजाही हो सकेगी। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दोनों टर्मिनल आपस में जुड़े होंगे, जिससे यात्री आसानी से एक दूसरे टर्मिनल पर जा सकेंगे, और इसके बनते ही ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। नंबर 3, ओहारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नॉर्थ वेस्ट शिकागो में बना ये अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा और दुनिया का छठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। दरअसल इसे यूएस में कई बड़े एयरलाइंस के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्टनर माना जाता है, जो कि सबसे बड़ा यूनाइटेड एयरलाइंस का हब का घर है, जिस वजह से साल भर और रोजाना उड़ानों के मामले में ये हवाई अड्डा उनके मिडल वेस्ट बिजनेस के रूप में देखा जाता है। वैसे आपको बता दे कि इस एयरपोर्ट को 6 घंटे के भीतर इनबाउंड और आउटबाउंड उड़ानों के बीच सबसे बेस्ट कनेक्शन के लिए भी जाना जाता है, जिस वजह से इस एयरपोर्ट ने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं। और आज के मौजूदा समय में इस एयर प्लेटफॉर्म की कुल क्षमता 8.4 करोड़ से भी ज्यादा की है, और इस एयरपोर्ट को साल 1994 में बनाकर तैयार कर दिया गया था, और आज ये मौजूदा समय में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। नंबर 2, बीजिंग डेक्सिंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट 500 फुटबॉल मैदानों के बराबर बना है। दरअसल ये एयरपोर्ट चीन के बीजिंग शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर बना हुआ है, और आपको बता दे कि इसे चाइना का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है। दरअसल इसका आकार बड़ा ही अजीब सा है, क्योंकि इसे देखने पर ये किसी स्पेसक्राफ्ट की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन ये हवाई अड्डा कुल 7 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिस वजह से इस एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 4 बड़े बड़े रनवे बनाए गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस हवाई अड्डे से एक दिन में करीब 6 लाख फ्लाइट चलती है। साथ ही एक रिपोर्ट के हिसाब से इस हवाई अड्डे पर हर साल करीब 10 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। साथ ही ये हवाई अड्डा 40 लाख टन कार्गो स्टोर करने की क्षमता भी रखता है, जिस वजह से आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एयरपोर्ट को बनाने में 786 अरब रुपए लगे हुए हैं, और इसे हाल ही में यानी साल 2019 में खोला गया है। नंबर 1, किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को दमाम एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल किंग फहद हवाई अड्डा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का मौजूदा समय में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। दरअसल ये सऊदी अरब के दमाम में स्थित है, और इसीलिए इस हवाई अड्डा को दमाम हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये हवाई अड्डा कुल 776 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, इस हवाई अड्डे की इमारत सिर्फ 36.8 वर्ग किलोमीटर भूमि पर है। और आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट 1983 में बनना शुरू हुआ था, और 28 नवंबर 1999 को ये पूरी तरह
बनकर तैयार हो गया था। असल में इस एयरपोर्ट ने खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी एयरबेस के रूप में काम किया था। दरअसल इस किंग फहद हवाई अड्डे पर 3 टर्मिनल बनाए गए हैं और आपको बता दें इसमें से मेन टर्मिनल 3.42 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र में बना हुआ है, जिस वजह से इस एयरपोर्ट को रोजाना 10 मिलियन से ज्यादा यात्रियों द्वारा यूज किया जाता है। वैसे इस एयरपोर्ट पर हर दिन 90,000 से ज्यादा फ्लाइट चलती है और इस एयरपोर्ट पर 1,38,870 कार्गो रखने की क्षमता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिनका वर्ल्ड में अपना एक अलग ही दबदबा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वैसे इनमें से आपका सबसे पसंदीदा एयरपोर्ट कौन सा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।